दोस्तों क्या होगा अगर हम अमेरिका, चाइना और इंडिया में बनी मजबूत कॉइन यानी कि सिक्कों को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है, ये पल भर में किसी भी चीज का कचुंबर बना देता है। लेकिन अमेरिका, चाइना और इंडिया में से कौन सी सिक्के हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे ज्यादा देर तक टिक पाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका में बने सिक्कों को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और दोस्तों जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का वजन इन सिक्कों के ऊपर पड़ता है तो ये पिचकने लगता है और लगभग 35 टन का वजन पड़ते ही ये पूरी तरह से पिचक जाता है। अब चाइना में बने सिक्कों को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखकर देखते हैं, हालांकि इससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। और दोस्तों वही हुआ, हाइड्रोलिक प्रेस का वजन पड़ते ही ये क्वाइट चपटे होने लगते हैं और सिर्फ 10 टन का वजन पड़ते ही इन सिक्कों का पूरी तरह से कुचुंबर बन जाता है। चलिए अब हमारे प्यारे देश इंडिया में बने सिक्कों को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। उससे पहले आप एक सच्चे भारतीय हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इंडिया में बनी क्वाइट ने सबसे ज्यादा यानी कि 20 टन तक वजन को सहन कर लिया। क्या आपने कभी समंदर के अंदर रेस्टोरेंट बना देखा है जिसमें लोग खाना खाते हो? दरअसल ये रेस्टोरेंट अमेरिका में है जिसमें वेटर पानी के अंदर एक बड़ी सी थाली में खाना लेकर जाते हैं और वही पानी के अंदर काफी सारे टेबल लगी है जिसमें लोग खड़े होकर खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ कोई शार्क और बेल मछली नहीं आती बल्कि यहाँ काफी सारे डॉल्फिन है। अगर कोई आपको इस हॉट डॉग जैसे दिखने वाले फूड को खाने के लिए कहे तो आप इसे गलती से भी मत खाना, क्योंकि इसे खाते ही आपका पूरा मुंह कॉटन से भर जाएगा जो आपके गले को बुरी तरह से जम कर सकता है। दरअसल ये कैटल का फ्रूट है जिसे खाने में बहुत सारे फायदा है, लेकिन इसे ऐसे नहीं खाया जाता। जब इसका फूड हरा भरा होता है तब इसे उबल कर खाया जाता है और तो और लोग इसके जड़ और तने को भी मजे से खाता है। दोस्तों इस अफ्रीकन लड़के की टैलेंट देखकर आप भी हैरान होने वाले हो, क्योंकि ये किसी भी जानवर की तरह चलने की एक्टिंग कर सकता है। देखिए कैसे ये बिल्कुल गोरिल्ला की तरह चल रहा है। अगर इसे गोरिल्ला की कॉस्ट्यूम पहना दिया जाए तो कोई समझ नहीं पाएगा कि ये इंसान है या गोरिल्ला। इसके अलावा कुछ लोग और भी है जो गोरिल्ला की तरह चलने की एक्टिंग करता है। वैसे इन दोनों में से आपको किसका एक्टिंग बेहतर लगा वो कमेंट करके बताइए। खेत जोतते समय कभी कभी सांड परेशान होकर भाग जाता है और इसीलिए उसे पकड़ने के लिए फॉरेन कंट्री में बुल कैचर नाम की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि गाड़ी के बोनट पर फिक्स कर दिया जाता है और जैसे ही सांड पास में आता है तो ये उसके गले में जाकर फंस जाता है, इसीलिए जानवर को वहीं तुरंत रुकना पड़ता है। बिल्डिंग को ब्लास्ट करके तोड़ने पर आसपास के लोगों को धूल से काफी परेशानी होती है, लेकिन इस तरीके से बिल्डिंग तोड़ने पर बिल्कुल धूल नहीं होती क्योंकि इसमें क्रेन की मदद से एक्सकेवेटर को बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचाया जाता है जो एक एक करके बिल्डिंग को तोड़ता है और साथ में कुछ लोग पानी भी डालते रहते हैं जिससे थोड़ी बहुत धूल पब्लिक को परेशान न करे। यह अमेरिका में बनी दुनिया के सबसे बड़े स्क्रीन जिसमें मूवीज में चलते जानवर ऐसे लगते हैं कि आपके आंखों के सामने रियल में आ गई है, इसीलिए इसमें बैठे काफी लोग डर जाते हैं और इसमें 18,000 लोगों की बैठने के लिए सीट बनाई गई है। वहीं ये आपको समंदर के अंदर होने की एहसास कराता है क्योंकि इसमें 270 डिग्री डिस्प्ले होने के साथ साथ 1,64,000 स्पीकर लगे हुए हैं। अक्सर गाय भैंसों की तबेले में गोबर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है जिन्हें साफ करने से लोगों को घंटों लग जाता है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए अमेरिका और दूसरे देशों की तबेले में ऐसे बड़े बड़े स्लाइडिंग मशीन को लगाया जाता है जो कि एक साथ कम समय में सारे गोबर को खींच के इकट्ठा कर लेते हैं जिन्हें बाद में एक साथ जमा करके खेतों में खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है।